क्या क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों टायर के अंदर। दोस्तों ये जो टायर है ये आपको और आपको 3 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी देखने को मिलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों से हम बात करने वाले हैं दो टायर के बारे में। दोस्तों ये जो दो टायर है हमारे पास, ये है MRF का NGP और दोस्तों ये जो टायर है हमारे पास, ये है C8 का माइलेज। दोस्तों दोनों के टायर जो है काफ़ी बढ़िया है, टॉप बेस्ट सेलिंग मोस्ट सेलिंग टायर है दोस्तों, दोनों ही कंपनी के है। ठीक है, तो आज इन दोनों टायरों को कंपेरिजन करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा टायर जो है बेस्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है आप लोगों के लिए 5 पॉइंट्स रखे हैं। इन सभी पॉइंट्स में से आपको जो है सब इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी प्राइस क्या है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, किन लोगों के लिए बेस्ट है, जितने भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने में सारे डाउट्स आपके जो है कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और लास्ट में दोस्तों मैं इन टायरों का कंपेरिजन बताऊंगा एंड में कि कौन सा टायर आपके लिए बेस्ट होगा। तो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फुल डिटेल्स इन टायर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों से इन टायरों के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों दोनों ही टायरों में जो आपको यहाँ पर ब्लॉकिंग वाली डिज़ाइन देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इनकी जो रोड परफॉर्मेंस है वो दोनों की अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आप लोगों से MRF के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों MRF में आपको जो है ब्लॉकिंग वाली डिज़ाइन देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों बारीक गुड्डे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आप इस टायर को जो है सिटी टू सिटी राइड करते हैं तो दोस्तों ये टायर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, साथ ही जो ग्रिप है वो काफ़ी बढ़िया देता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो टायर है बारीक डिज़ाइन में आता है, जो कि रोड को कर चलता है, जिससे कि आपकी जो रोड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसमें जो बिल्ड क्वालिटी जो रबड़ का इस्तेमाल किया हुआ है वो है मीडियम हार्ड। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो रबड़ का इस्तेमाल किया हुआ है वो मीडियम हार्ड रबड़ का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है, जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट सभी MRF के टायर में आता है। ठीक है, मीडियम हार्ड रबड़ यहाँ पर भी इस्तेमाल किया हुआ है कंपनी ने। चलाओ दोस्तों इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है ऑन रोड के अंदर। ठीक है, ऑफ रोडिंग के अंदर इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, उसके लिए दोस्तों आपको ये वाला टायर परचेज करना पड़ेगा अगर आप जो है ऑफ रोड करते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं अब। दोस्तों ये जो टायर है C8 माइलेज का टायर, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा टायर होता है ऑफ रोड एंड ऑन रोड के लिए। दोस्तों इसमें जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है वो ब्लॉकिंग डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिससे कि दोस्तों अगर आपको जो है कच्ची सड़कों पर चलना है, गीली सड़कों पर ज़्यादा चलना है, ठीक है, चिकनी मिट्टी में चलना है, दोस्तों उस जगह पर ये जो टायर है काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसकी जो रबड़ क्वालिटी उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसकी रबड़ क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है वो है मीडियम सॉफ्ट, जो कि दोस्तों C8 के ऑलमोस्ट सभी टायरों में आपको देखने को मिलती है। मीडियम सॉफ्ट रबड़ क्वालिटी इसमें भी आपको जो देखने को करते हैं आप लोगों से प्राइस डिफरेंस क्या क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों टायर के अंदर। दोस्तों ये जो टायर है ये आपको 1500 से लेकर दोस्तों 1600 तक की प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है 2/18 की साइज़ के अंदर ये टायर। लेकिन दोस्तों ये जो टायर है हमारे पास, ये है MRF का, जो कि दोस्तों नाम से ही बिकता है मार्केट में, तो इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी हाई देखने को मिलती है। दोस्तों इसकी जो प्राइस है 1650 1700 1800 इसी तरह की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो टायर है थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों ये जो टायर है थोड़ा सा आपको सस्ता देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों परफॉर्मेंस भी इसकी जो है काफ़ी अच्छी लगी है मेरे को इस टायर की। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर आपको MRF लगवाना है तो MRF भी लगवा सकते हैं और आप चाहे तो C8 भी लगवा सकते हैं, ये आपकी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं साइज़ की, क्या क्या साइज़ आपको देखने को मिल जाती है इन दोनों टायरों के अंदर। दोस्तों इसमें जो है आपको ऑलमोस्ट सभी तरह की साइज़ देखने को मिल जाती है, जिसके 2/18 की साइज़, 3/18 की साइज़, 3/17 की साइज़, जो कि दोस्तों हमारी स्प्लेंडर HF डीलक्स, बजाज, TVS, दोस्तों जितने भी कंपनियाँ हैं सभी में ये टायर जो है लग जाता है। ठीक है, इसमें आपको 2 तरह के वेरियंट देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस एंड ट्यूब टायर, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी बात करते हैं, दोस्तों इसमें भी आपको जो है ऑलमोस्ट सभी तरह की साइज़ देखने को मिल जाती है, इसके 2/18, 3/18, 3/17, ठीक है, जो कि हमारे बजाज और TVS जितनी भी बाइक आती है सब में आपको जो है लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी आपको 2 तरह के वेरियंट देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस एंड ट्यूब टायर। ठीक है, दोनों तरह के वेरियंट भी आपको देखने को मिलते हैं, साइज़ आपको ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल हो जाती है इन टायरों के अंदर। दोस्तों बात करते हैं आप लोगों से टायर वारंटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं C8 ने यहाँ पर लिखा हुआ है C8 टू व्हीलर टायर्स, और यहाँ पर आपको 3 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मंथ की जो है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप जो है आपको इसमें जो है 3 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसमें जो बात करें MRF में, दोस्तों इसमें आपको कोई भी जो है कंपनी वारंटी क्लेम जो है नहीं करती है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर आपको MRF का टायर चाहिए तो भाई आप MRF का ही टायर लगवा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, कम प्राइस में और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप जो है C8 का टायर लगवा सकते हैं।